ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार, NS Now देख रहे हैं आप। और शिक्षा मित्रों के मानदेय में सरकार की तरफ वृद्धि की गई है, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। NS Now पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो शिक्षा मित्रों के मानदेय में उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा मित्रों को तोहफा देते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नियत मानदेय पे कर शिक्षा मित्रों के मासिक मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि की है। अब तक उन्हें 15,000 रुपये मिलते थे, जो कि अब उन्हें 20,000 रुपये मानदेय मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा पर सचिव दीप्ति सिंह ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकारी विद्यालयों में तैनात नियत मानदेय पे कार्यरत शिक्षा मित्रों को 15,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा था। शिक्षा मित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में 18 दिसंबर 2021 को शासन को पत्र भेजा था। इसमें मानदेय बढ़ाने की पैरवी की गई थी। अपर सचिव ने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद आदेश जारी किया गया है। इससे करीब 750 शिक्षा मित्रों को लाभ होगा। शिक्षा मित्रों की बड़ी संख्या को DLED और TT उत्तीर्ण होने के बाद प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों पर समायोजित किया जा चुका है। और जो शेष शिक्षा मित्र रह गए हैं, जो रिक्त पदों पर समायोजित करने में वरीयता देने का भरोसा इन्हें सरकार दे चुकी है। तो ये है पूरी खबर, जहां पर उत्तराखंड की सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि करते हुए 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये उनका मानदेय कर दिया है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। NS Now पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।